बैक माई फैमिली आप लोग कैसे हो आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंट डाउन बाईस में तो फ्रेंड्स आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कि जिन के वजह से इस्लाम कबूल कर लिए इनको ऊपर एसन वीडियो बनाएंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा बलाइकन पर क्लिक कर दीजिएगा आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी सपोर्ट जरूर कीजिएगा देखते हैं क्या है कि एक जिन के वजह से इस्लाम कबूल कर लिए हैं The jinn and lesser demons can't even mess with Muslims if they're practicing correctly. Our attachment to energy kind of works like a cup, and if you are praying five times a day, this cup will be full. Worshipping a false god or calling him by the incorrect name is going to leave that gap and it's going to allow something else to come in instead. And just going to church on Sunday is not enough to keep you protected, especially in modern day society. ये तस्वीर जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोई आम शख्स नहीं है बल्कि इसका नाम है ड्रेवन ट्रेचर जो एक बहुत ही बड़ा शैतानी जादूगर था और शैतानी जिन्नात से मदद लेकर इंसानों पर जादू किया करता लेकिन हाल ही में इसने ये बयान दिया कि मैं चाह कर भी मुसलमानों पर ऐसे मुसलमानों पर जो कि पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के जिक्र से अपने दिलों को एक नूर या रोशनी से भरे रखते हैं इन पर चाह कर भी मैं कोई जादू नहीं कर सकता इनफैक्ट फैक्ट ये उन पर असर ही नहीं करता ये बात मेरे लिए काफी हैरानकुन है

When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for five years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their aggregor. curiosity Islam इसकी कहानी और इस्लाम की तरफ इसकी रहनुमाई करने वाले इनका शाफात भी बहुत दिलचस्प हैं जो कि आपको ज़रूर सुनने चाहिए ड्राइवर का कहना है कि जब भी मैं कोई जादू किसी मुसलमान पर करने की कोशिश करूँ तो कोई पॉजिटिव एनर्जी इस शख्स के गर्द हल्का बनाकर इसकी हिफाजत करती है जिसमें कोई भी जिन दाखिल होकर मदाखलत नहीं कर सकता इन मुसलमानों का दिल बिल्कुल एक कप की तरह है जो कि अल्लाह की इबादत से हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है जब ये मुसलमान इबादत और अल्लाह के जिक्र से गाफिल होते हैं या किसी गैर खुदा की इबादत करते हैं जो कि मन गढ़त है तो ये एनर्जी कम होने लगती है और इसी वक्त हमें यानी शैतानी जिन्नात को इसके दिल के अंदर घुसने का मौका मिल जाता है इसीलिए इस कप को फुल रखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर इबादत जरूरी है जैसा कि मुसलमान करते हैं वरना सिर्फ संडे के दिन चर्च जाने से या फिर बुतों की पूजा करने के लिए मंदिर में जाने से ये एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है ड्राइवर मजहब के लिहाज से क्रिश्चियन फैमिली के अंदर पैदा हुआ मगर शुरू से ही क्रिश्चियनिटी के अकीदों के अंदर शक शको शुभात के अंदर रहता इसे खुदा और जीसस के दरमियान बाप बेटे का रिश्ता समझ में नहीं आता था और इसके अलावा दूसरे मजाब के लोगों को जब वो देखता तो सोच में पड़ जाता कि सिर्फ अपने खुदा को ही सब सच्चा कहते हैं और बाकी सबको झूठा पर इस्लाम के अंदर तकरीबन वही सब कुछ मौजूद है जो कि क्रिश्चियनिटी की तालीमात के अंदर मौजूद है सिवाय खुदा के बेटे को छोड़कर क्योंकि क्यूकी यहूदियत तो बिल्कुल ही जीसस का इनकार करती है बल्कि इनको शैतान कहती है नवजबिल्ला मैं एक वाइटमिन स्टोर पर काम किया करता था जहाँ पर मुझे एक लड़की मिली जिसने मुझे ये सब यानी जिनात से राबता करना और कबाला जादू सिखाया और कबाला जादू की तमाम चीजें सिखाई मैंने ये सब कुछ सीख कर को काबू करना सीख लिया लेकिन हैरत की बात ये थी कि शैतानी जिन्ना की जादू की किताबे हों या फिर किसी भी मज़हब के दीनी तालीमत इन्हें पढ़ते हुए वो टाइम टू टाइम वर्ष होती जाती है वो कोई सेंस नहीं बनाती बल्कि एक दूसरे से मेली नहीं खाती मगर इस्लाम वाहिद ऐसा मजहब है जिसकी तलीमत को यानी पाक को आप जितना मर्जी गहराई के अंदर पढ़ते जाए टाइम टू टाइम ये मजीद लॉजिकल और सेंस बनाने लगता है इंसान को वो सब कुछ समझ आने लगता है जिसके मुतालिक वो दुनिया के अंदर खुद से मजहबी तौर पर सवाल करता है खास तौर पर क्रिस्टानिटी के When I studied the Kabbalah or I studied the Christian books, it just gets worse over time. The contradictions get worse, the belief system gets worse, the morals get worse. Muslims, who follow this book, all but they think the same way and understand its meaning. But when I study Christianity, whenever I try to read a verse, it is told to that this verse is out of context or its meaning is different. And these things always made me doubt the Quran. How can the words from the sky have different meanings? और इसी सोच ने ड्रेवन को एक ऐतिस बना दिया था और जब इसने काला जादू करना शुरू किया तो इसे अपने घर के अंदर कई जिन्नात ने परेशान करना शुरू कर दिया लेकिन इसका कहना है कि आखिरकार मेरी मुलाकात एक मुसलमान जिन से हुई जिसकी तालीमत ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और सारी हकीकत मेरे सामने आ गई की क्यूँ आज दुनिया के अंदर इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है इसके पीछे क्या मकसद है और कौन लोग हैं हम सब इंसान असल में मुसलमान ही पैदा होते हैं जो मीडिया आपको ये बता रहा है कि इस्लाम एक शैतानी मजहब है वो किसी और की जबान बोल रहा है इनकी जबान जो कि जीसस को नाउजिल्ला शैतान मानते हैं जो लोग इनकी बातों के अंदर आकर इस्लाम पर हमला कर रहे हैं वो दरअसल इस्लाम के मुतालिक कुछ जानते ही नहीं हैं मैं जब भी किसी नाइट क्लब के अंदर जाया करता या किसी प्राइवेट पार्टीज के अंदर तो वहां पर मैंने क्रिश्चियन और जियो शकीदा के लोगों को ऐसी ऐसी खुराफात करते देखा जो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता मगर कभी भी जिंदगी के अंदर मैंने किसी मुसलमान को ऐसा करते नहीं देखा सिवाय गुमराह मुसलमानों के And I can tell you guys right now, I've seen a lot of Jewish women and Christian women inside of these clubs doing wild things. And I have never seen a Muslim woman up in these clubs doing raunchy. All the prophets of the world had the same purpose which was the purpose of Jesus and this makes sense and logic. सोशल मीडिया पर ड्राइवर की वीडियोस वायरल होने के बाद और खुला खुला फ़लस्तीन की सपोर्ट और अपने अकीदे का इजहार करने के बाद जिस यहूदी कंपनी में वो काम कर रहा था इसके मालिक ने इसको बुलाकर एक मिलियन डॉलर तक की ऑफर की कि वो अपने अकीदे को ना सिर्फ ना बदले बल्कि इसराइल की सपोर्ट और यहूदियत के हक के अंदर सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी बनाए लेकिन इसने अपने दिल की आवाज़ और अपने जमीर का सौदा करने से इनकार कर दिया और आखिरकार इस्लाम को कबूल कर लिया इसका कहना था कि मुझे शैतानी दुनिया से निकलने के अंदर बहुत वक्त लगा क्योंकि जिन्नात से किए गए एग्रीमेंट को तोड़ने के अंदर एक लंबा वक्त चाहिए होता है पर मैं खुश हूँ कि मैंने आखिरकार जिंदगी के मकसद और सुकून को हासिल कर लिया वो कहता है कि कुरान के अंदर वो कुछ बयान किया गया है जो कि आज के दौर के अंदर होने वाला है जिस तरह से आज सूद ने अमेरिकन और दुनिया की इकॉनमी को तबाह किया कुरान ने आज से 1400 साल पहले इससे मना किया था बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आज अमेरिका के अंदर फैमिली सिस्टम तबाह हुआ कुरान ने इससे पहले बेहयाई से रोकने के लिए पर्दे का हुक्म दिया इसी मोडेसिटी और अल्लाह के हुक्म की वजह से मुसलमान नाजेबा किस्म की चीज़ों से दूर रहते हैं जिसकी वजह से शैतानी जिन्ना चाह कर भी इन पर हमला नहीं कर सकते इनको अपनी जिंदगी का मकसद बिल्कुल क्लियर होता है और इसी वजह से इनको डिप्रेशन भी कभी नहीं हो सकता अल्लाह ने कुरान में हराम खाने से मना किया जो कि आज के दौर के अंदर साइंस भी खुद साबित कर रही है कि आपकी ज़िंदगी के लिए हलाल किस कदर ज़रूरी है ये भी बताया कि दुनिया के अंदर सिर्फ दौलत कमा लेना तुम्हारी कामयाबी नहीं है क्योंकि आखिर तुम्हें भी मौत है ये दौलत दुनिया की जिंदगी को खरीद कर नहीं दे सकती they collapse the entire american economy by doing this and it's going to start happening again in january but that's a whole different subject people get mad about that now another big part of the quran or allah's word is how they speak on women we're all taught to look away from a woman's beauty whenever they are not modest now this is very important for multiple reasons one it teaches men to not look at women in that manner I can't use the exact words to describe it on here, but you guys understand what I'm saying. Another reason why this is so important is because this is a method used by Iblis and the jinn to corrupt us. Consuming adult content and content in that manner is causing depression and even worse. And I think everybody will agree with me on this one that that kind of content is destroying the world. Now, another big major teaching of the Quran is surrounding food. There's a very specific process or set of rules that you need to to follow when making the food halal, especially whenever it comes to meat and animals. इसका मजीद कहना था कि अगर आप जीजस के सामने इबादत कर रहे हैं तो वो इबादत दरअसल आप जीजस की नहीं बल्कि शैतानी जिन्नात की कर रहे हैं यही वजह है कि जब कोई शख्स ये दावा करता है कि मैंने जीजस से रबता करके किसी रूहानी चीज़ से रब्ता किया उस रूहानी चीज़ ने मुझे रिस्पॉन्स किया तो वो और कोई चीज़ नहीं बल्कि जिनात ही हुआ करते हैं जो कि खुद से जानबूझकर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको इस कुफर शिर के अकीदे पर मजबूत कर सकें आपको यकीन हो जाए कि यही सिर्फ सच्चा दीन है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म करके ये आपके दिल और दिमाग को कंट्रोल कर सकें। I hope इसलिए आपसे यही कहूंगा कि चाहे आपका अकीदा कोई भी हो सिर्फ खुदा की इबादत करो ना कि जीसस की खुदा को अल्लाह को जिस मर्जी जबान के अंदर मानो मगर इसका शरीक कभी ना बनाओ सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि इस तरह के कई एक्सपीरियंसेस ड्राइवर की तरह के और कई लोग भी कर चुके हैं जिनका मानना है कि इन्हें इस्लाम की तरफ हिदायत और किसी ने नहीं बल्कि मुस्लिम जिन्नात ने दी क्योंकि वो खुद जानते हैं कि इनकी हदूद क्या है अल्लाह ने इंसानों की तरह जिन्नात को भी सोचने समझने की सलायत दी और जिस तरह से शैतानी जिन्नात मौजूद हैं तो बिल्कुल उसी तरह से रहमानी जिन्नात भी इंसानों की तरह इंसानों को तबलीग करते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दुनिया के इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए पैगम्बर और रसूल थे ड्राइवर की तरह अगर किसी इंसान की किस्मत के अंदर हिदायत लिखी और वो इसके लिए कोशिश भी करे तो अल्लाह ताला भी इसके लिए कई तरह के वसीले बनाकर इसको हिदायत जरूर देता है लेकिन इसके लिए उसे बहुत कोशिश करना पड़ती है लेकिन हम मुसलमान कितने खुशकिस्मत हैं जिन्हें बिना कोई तकलीफ उठाए और बिना कोई मेहनत किए अल्लाह ने इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा लेकिन हम लोगों ने फिर भी अल्लाह की इस नेमत की और खुद अल्लाह की ज़ात की कदर नहीं की बल्कि खुद फिरका फिरका होकर गुमराह हो गए और एक बार जो शख्स इस गुमराही के रास्ते पर चल पड़े अल्लाह के जिक्र से हमेशा के लिए गाफिल हो जाए तो इनका रह इनको रास्ता दिखाने वाला और कोई नहीं बल्कि शैतान ही होता है जब तक कि ये तोबा न कर लें अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे जिनकी जिंदगी का मकसद ये था कि वो बाकी दुनिया के इंसानों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं लेकिन उससे पहले आज इन लोगों को अल्लाह की हिदायत का रास्ता दिखाना जरूरी है ताकि इनको हिदायत व गुमराई से निकाल कर असल इस्लाम का तारुफ हो अल्लाह तला हमें समझने की और नेकमल करने की तोफीकता फरमाए आमीन फ्रेंड से वीडियो था अब था मतलब कि एक लड़के के जो उनको जादू सीख रहे थे कोई लेडीज़ मतलब सिखा रही थी तो इबादत कर रहे थे शैतान को तो उनको शैतान को मतलब पूज रहे थे तो उनको पूछते पूछते मतलब ने जो जिन्नात थे जो गलत जिन्नात होते उनका पीछा करने लगे तो सोच रहा था कि जादू सीख के हम मुसलमानों के ऊपर मतलब मैं ऐसे कुछ करूँगा कि मुसलमान हमारे मतलब उत्थी में कब्जे में हो जाएंगे उनके ऊपर जादू करना चाहता था तो जादू काम नहीं करती थी मुसलमान अब अलग की इबादत करते हैं उनके लिए सोचते हैं विचारते हैं हर हर घड़ी उनको अपने दिल दिमाग में बैठाए रहते हैं तो जादू किस काम के तो जादू कोई काम नहीं करती थी तो लड़का परेशान हो गया था कह रहा था तो जादू बिल्कुल बेकार है हमने मतलब कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों के ऊपर मतलब जादू चलाने के तो नहीं कुछ हुआ नहीं कुछ काम किया ऐसे एनर्जी होती है कि वो जादू जो करता था वो कट जाती थी तो उसको जिन परेशान करने लगे तो फिर जिन परेशान करने लगे तो भी परेशान हो गया तो एक तो बेकार जिन होते हैं एक अच्छे जिन होते हैं तो एक जो अच्छा जिन थे तो उसने इस लड़के को बहुत साथ दिए तो उसने बताया कि इस्लाम कबूल कर लो तो लड़का इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर अच्छे से रहने लगा तो सच में हर चीज़ मतलब देखो तो अच्छी बात है भाई इस्लाम में इतनी शक्ति है इतनी शक्तिशाली है लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो उनकी रक्षा होती है तो सच में उस लड़के को महसूस हुआ तो अपना इस्लाम कबूल कर लिए कि बहुत अच्छा है तो सच में जब इंसान को अच्छा लगता है तो उनको ही करना चाहिए तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो बहुत प्यारा लगा वीडियो देख के इससे जो जादू लोग करते हैं बहुत ऐसे लोग हैं जादूगर जो करते हैं उनको एक सीख मिलेगी एक समझ मिलेगी ये सब कुछ करना नहीं चाहिए सब में कुछ भी नहीं है अपना टाइम अपना वक्त बर्बाद करते हैं करना ही है तो अल्लाह ताला की इबादत करो उनके लिए कुछ अच्छाई सोचो उनके लिए हमेशा उनको मतलब सोचते रहो उनके लिए कुछ करते रहो मस्जिद जाओ अपना नमाज पढ़ते रहो तो हर एक बुराई ख़त्म हो जाएगी कोई बुराई काम नहीं करेगी तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी सपोर्ट जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय फ्रेंड्स